वेलकम टू माय चैनल अपनी रसोई। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही तीखी चटपटी सी चटनी की रेसिपी। तो मैं बनाने वाली हूँ मैंगो अनियन चटनी, और इस चटनी को आप लंच में, डिनर में तो खा ही सकते हैं, साथ ही पकौड़े के साथ, समोसे के साथ या फिर सैंडविच के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं कच्चे आम और प्याज की चटनी। तो यहाँ पर एक छोटे साइज का हमने कच्चा आम लिया था, जिसे छिल के धो लिया और उसे टुकड़ों में काट लिया है, और एक छोटे साइज का ही प्याज भी लिया, मतलब कि आम और प्याज को हम बराबर रखेंगे या थोड़ा बहुत प्याज कम रखेंगे आम से। और हमने दो हरी मिर्च ली है, तीखी वाली मिर्च थी, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं वैसे, और थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ी सी पुदीना पत्ती। तो चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम एक मिक्सी जार में डालेंगे। तो जब भी मार्केट में कच्चे आम आने शुरू हो जाते हैं तो बहुत तरह की चटनी, अचार वगैरह सभी घरों में बनाई जाने लगती है। तो कच्चे आम की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, अचार तो बनती है, सभी लोग बनाते हैं, कुचा बनाते हैं, और चटनी मतलब बहुत तरह की बनती है, हर घर में अलग अलग तरह की चटनी बनती है। मैंने भी अपने चैनल पे बहुत सारी चटनी की रेसिपी शेयर की है, आप ज़रूर देखें। फिर इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक डालेंगे, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ ही आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच हम डालेंगे सौंफ, या सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो। थोड़ा सा पहले पानी डाल के एक बार चला लेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा पानी डाल के हम चटनी पीस लेंगे। तो ये लीजिए, मिनटों में बहुत ही तीखी चटपटी सी कच्चे आम और प्याज की चटनी बन के तैयार है। इसे एंजॉय करिए लंच, डिनर या फिर समोसे पकौड़ों के साथ। ज़्यादा मात्रा में बना के फ्रिज में रख ले तो एक सप्ताह तक आप इस चटनी को खा सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, बाय बाय।